सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं टेक्निकल विपिन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू कर दे दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन पे भी क्लिक कर ले। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और नई एप्लीकेशन लेके आया हूँ जिसका नाम आप उसका लोगो और नाम देख सकते हैं। तो दोस्तों उस एप्लीकेशन का नाम है अर्न बाय नेट बैंकिंग। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हुई है कुछ देर पहले, ये एप्लीकेशन भी लॉन्च हुई है। तो आप देख सकते हैं इसे जो है अभी इसकी रेटिंग जो है 5.0 की इसकी रेटिंग चल रही है और उसके डाउनलोड्स भी अभी बहुत कम है। तो दोस्तों आप इस एप्लीकेशन में वर्क करके और इसे जो है शेयर करके ढेर सारी अर्निंग कर सकते हो कि इसमें जो है शेयर का ऑप्शन भी है और इसमें जो है रेफर इनकम भी हो रही है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जो है एक स्लाइड की मदद से बताता हूँ आपको इसमें साइनअप किस तरह से करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का पेज खुल जाएगा। उसके बाद आपके पास इस तरह का पेज आएगा तो आपको यहाँ पे नीचे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है लॉगिन का ऑप्शन जो है आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पे रजिस्टर हेयर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है नाम आपका इंटर करना है, मोबाइल नंबर, रेफर कोड, पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड और सिटी स्टेटस। तो दोस्तों आपको रेफर कोड में क्या टाइप करना है, आपको जो स्क्रीन पर रेफर कोड दिख रहा है वही रेफर कोड आपको डालना है। तो दोस्तों आप जब ये सब पूरे यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आप देख सकते हैं थेम एंड कंडीशन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप रजिस्टर पे क्लिक करोगे तो आपके पास वापस से जो लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा तो आप यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे तो आपका जो है एप्लीकेशन जो है सक्सेसफुली जो है ओपन हो जाएगा। तो ओपन होने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें बताऊंगा आपको इसमें वर्क किस तरह से करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ आपको इस एप्लीकेशन में अर्निंग किस तरह से करनी है, वर्क किस तरह से करना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे थ्री लाइन जो दिख रहा है आप इस थ्री लाइन पर क्लिक करना। तो दोस्तों थ्री लाइन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, सब ऑप्शन के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सेकंड ऑप्शन जो आ रहा है डेली टास्क। तो आप अर्निंग करने के लिए आप यहाँ पे डेली टास्क में जाना तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेली टास्क में आपको एक टास्क मिलेगा। यहाँ पे व्यू का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे टुडे कलर, तो आपको यहाँ पे अपना टुडे कलर देख लेना है और यहाँ पे स्टार्ट के बटन पर ऐसे क्लिक करके यहाँ से जो है आपको अर्निंग करनी है। तो जैसे आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास जो ये होम पेज पर जो है ले जाएगा और होम पेज पे ले जाने के बाद आपको जो है आपको जो वहाँ पे कलर शो कर रहा था उसी कलर पे आपको क्लिक करना है। जैसे मेरा कलर जो ब्लू था तो मैं चलिए ब्लू कलर पे क्लिक करूँगा तो जो है यहाँ पे जो है सिलेक्टेड कलर का ऑप्शन आ जाएगा, हमारे सामने एक ऐड आ जाएगा तो हमें इसके कट कर देना है। उसके बाद हमें यहाँ से बैक ले लेना है। तो इस तरह से जो हमारा है टास्क कंप्लीट होता है, हमें जो है 7 टास्क कंप्लीट करने हैं। तो आप मेरे टास्क में भी जाकर मैंने इसके पहले टास्क तो देख सकते हैं, मुझे 7 टैब मिले यानी 7 बार मुझे क्लिक करना है। तो आप 7 बार से ज़्यादा भी क्लिक करोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इसे 7 बार कंप्लीट कर लेना। तो चलिए मैं अपना जो है 7 बार कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको वीडियो जो ओपन करके दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए मैं वीडियो प्रेस कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि मैंने यहाँ पे अपना टास्क कंप्लीट कर लिया और यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है यू हैव अ कंप्लीट दिस टास्क सक्सेसफुल्ली। तो दोस्तों आपको इसी तरह से टास्क कंप्लीट करना है। लेकिन दोस्तों आप जब लास्ट में टास्क जब आप कंप्लीट कर रहे होंगे, जैसे मेरा जो है मैंने मान लीजिए मैंने 7 बार अपना कंप्लीट कर लिया, जो अगर मैं आखिरी बार 8 बार जब करूँगा तो मुझे क्या करना होगा, जब ये कलर आएगा तो मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा तो सामने जो है एक ऐड आएगी, तो ऐड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो जो ऐड हमें या प्ले स्टोर या कहीं क्रोम ब्राउज़र में कहीं तो लगी जाएगी वो। तो आपका जो है उस पर क्लिक करने के बाद वापस से जब इस ऐप पे आओगे तब आपका जो ये शो करेगा। नहीं तो अगर आप इसी तरह से कंप्लीट करते रहे क्लिक करके फिर बैक लेते रहे तो आपका जो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसी तरह से टास्क आपको कंप्लीट करना है। तो देख चलिए हम देखते हैं अब हमें जो कितना बैलेंस मिला है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 रुपये हमें जो बैलेंस मिल गया, वैसे ही आपको जो यहाँ पे जितने भी डैशबोर्ड आपको दिख रहे हैं आपको सारे डैशबोर्ड पे वही प्रोसेस आपको करना है।
दोस्तों चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको हाउ टू अर्न का ऑप्शन आता है। तो दोस्तों आप इसके ऊपर क्लिक करके इस ऐप में किस तरह से वर्क करना है पूरा प्रोसेस आप ले देख सकते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल मैं आपको इसमें सब बता देता हूँ, तो उसके चलते हम अर्निंग रिपोर्ट पर। तो दोस्तों अर्निंग रिपोर्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रुपये हमें जो बैलेंस मिला है और वो भी टोटल एक रुपये बैलेंस है। तो अवेलेबल बैलेंस आपको पूरा शो कर रहा है, बैलेंस एक रुपये जो मुझे मिला है अभी। तो दोस्तों अभी आता है रिक्वेस्ट पेटीएम बैलेंस। तो दोस्तों रिक्वेस्ट पेटीएम बैलेंस में आप जाकर यहाँ से जो है पेटीएम में जो ट्रांसफ़र अपना जो है बैलेंस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका मिनिमम बैलेंस जो है 20 रुपये तक है, तो एक बार हम चेक कर लेते 20 है कि 30 है। तो चलिए हम अमाउंट जो है 10 डाल देते हैं, उसके बाद जो है रिक्वेस्ट पेटीएम पे क्लिक करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं इसका जो है मिनिमम विड्रॉ आप 20 रुपया कर सकते हैं। तो दोस्तों आता है रिचार्ज हिस्ट्री। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो है रिचार्ज हिस्ट्री में आपने जो भी ट्रांसफ़र किया होगा वो शो करेगा। तो उसके बाद आता है हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन माई ग्रुप का। तो दोस्तों आपने जितने लोग को ज्वाइन कराया होगा पूरा आपको ये माई ग्रुप में जितने लोग आपके रेफर से ज्वाइन होंगे वो माई ग्रुप में शो करेंगे। तो दोस्तों उसके नेक्स्ट ऑप्शन नोटिफिकेशन। तो दोस्तों आपको यहाँ पे डेली नोटिफिकेशन कुछ मिलती है, तो आप उसे उस नोटिफिकेशन को देखा करिए। और उसके बाद आता है शेयर ऐप। तो आप दोस्तों आप शेयर करके ढेर सारी अर्निंग कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही बता चुका हूँ। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है सिंपली। तो दोस्तों क्लिक करने के बाद आप इसे चाहे तो कॉपी अपना रेफर कोड कर सकते हैं, या चाहे तो आप इसे व्हाट्सएप फेसबुक या कहीं भी सोशल मीडिया ऐप पे शेयर कर सकते हैं। उसके बाद आता है रेटर्स का ऑप्शन। तो जानते ही होंगे आप अबाउट अस, तो ये भी आप जानते होंगे, कॉन्टैक्ट अस, लॉग आउट, तो ये सब आप जानते होंगे इसके बारे में। तो दोस्तों आज मैं आपको इतने प्रोसेस के बारे में बताने वाला था। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो ताकि मुझे पता चल सके आपको मेरी बनाई वीडियो पसंद आ रही हो, मैं आपके लिए इससे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।